صلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. جميع حاضرين مكرم، قابل قدر دوستو، مكرم محترم رفيقو اور ساتھیو، بحمده تعالى ہر سال کی طرح اس سال بھی خصوصی موقع پر خصوصی گفتگو کرنے اور سننے کے لیے یہاں ہم سب جمع ہیں. یہ موقع ہر سال ہم کو میسر ہوتا ہے، پھر اللہ والوں کی مقدس پاکیزہ زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں بزرگان دین، صالحین امت، پھر اولیاء ملت کے خصوصی افکار، خصوصی اخلاق، خصوصی زندگی کے گوشے نمونے ہمارے سامنے آ جائیں، پھر ہمارے لیے ان کے قیمتی اخلاق، قیمتی انداز، پھر ان کا طرز زندگی مشعل راہ بن جائے، ایک نمونہ بن جائے. میں ہر سال کی طرح حصول برکت کے لیے حضرت قطب دکن، شاہ دکن، رئیس المفسرین والمحدثین، فخر علماء ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز کی مبارک ذات اقدس کے سلسلے میں کچھ گزارشات آج کے خصوصی جلسے میں کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں. جیسے کہ ہماری روایت ہے کہ کسی ولی اللہ یا نبی اللہ کے موقع کے ذکر کے اور ان کے یوم پیدائش ہو یا یوم وصال، تو اس کے موقع پر خصوصی تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تاکہ ہم سب کو برکتیں حاصل ہوں. تو میں آج ہر سال کی طرح اپنی برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت قبلہ کے سلسلے میں کچھ گزارشات کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محدث دکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خصوصی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ہماری زندگیوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عقائد میں سدھار پیدا ہو جائے. حضرت قبلہ کے خصوصی تذکرے کے موقع پر کچھ میں نے عرض کیا ہے، حضرت کی بارگاہ میں نظم کی شکل میں، منقبت کی شکل میں، کچھ اشعار کی شکل میں بھی آپ کا تذکرہ کروں. ہر سال نثر اور تقریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے سے آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے انداز میں منقبتی کلام آپ کے وصال کے بعد یا آپ کے وصال سے پہلے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے رہے. لوگ، بڑے بڑے لوگ،
बारगाह में मनकवती कलाम पेश किए, जैसा कि अभी हमारे इमाम साहब भी हज़रत क़िबला की बारगाह में मनकबत पेश करने की सआदत हासिल किए हैं। तो कुछ अशआर बड़े ज़माने के बाद मैंने लिखने की कोशिश की है हज़रत क़िबला की शान में। मैं आपको गुज़ारिश उसको करना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सूरतुश्शुअरा के दो आयात मैं अभी आपके सामने पढ़ा हूँ। तो उन दो आयतों के सिलसिले में कुछ खुसूसी तस्किरा आपके सामने मैं पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। चुनांचे आपकी बारगाह में अर्ज है, शरीयत कहाँ है रोशन तुम सितारा शाह अब्दुल्ला, शरीयत कहाँ है रोशन तुम सितारा शाह अब्दुल्ला, तरीकत का है ऊंचा एक मीनारा शाह अब्दुल्ला। फिर उसके बाद अर्ज किया गया है, सरापाए मुकद्दस है नमूना शाह बतहा का, यानी हज़रत क़िबला का जो सरापा है, आपके जो अंदाज़ ज़िंदगी के अतवार के जो मज़ाहिर हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बिल्कुल आयन मुताबिक है। यानी सरकार की सुन्नत को देखना है तो हज़रत मुहद्दिस दक्कन के सरापे को देख लेना। सरापाए मुकद्दस है नमूना शाह बतहा का, और याद हक का बाइस है वो चेहरा शाह अब्दुल्ला। क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हदीस में आता है कि वली किसको कहते हैं, वली कौन होता है, वली की निशानी क्या है, वली की अलामत क्या है। तो सरकार ने फरमाया कि इज़ा रुकू ज़ुकिर अल्लाह, वली वो होते हैं कि जिनके चेहरे को देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, भैया अल्लाह की याद हो जाए। तो उसके बारे में अर्ज़ किया गया है कि सरा पाए मुकद्दस है नमूना शाह बतहा का, और याद हक का बाइस है वो चेहरा शाह अब्दुल्ला। बहाउद्दीन का है चश्मा अबुल हसनात का सीना, सिलसिले नक्शबंदिया के पेशवा फिर उसके बानी हैं हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला, सिलसिले नक्शबंदिया के बानी। तो क्योंकि हज़रत क़िबला उसी सिलसिले के तर्जमान हैं, दक्कन में उसी सिलसिले की एक अलामत और निशानी है, तो बानी सिलसिला के हवाले से गुफ्तगू की गई है कि बहाउद्दीन का है चश्मा अबुल हसनात का सीना, यानी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला के फ्यूज़ और बरकत का जो चश्मा है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मुहद्दिस दक्कन के सीने को वो चश्मा बना दिया। भाई आपके सीने अक़दस से फ्यूज़ और बरकत की जो बारिश बरसती है, तो दर हकीकत वो बानी सिलसिला नक्शबंदिया बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला के फ्यूज़ और बरकत की के चश्मे की खैरात है। बहाउद्दीन का है चश्मा अबुल हसनात का सीना, इनायत हो हमें भी कुछ उतारा शाह अब्दुल्ला, उसी चश्मे का कुछ उतारा हमको भी अता हो जाए। फिर अर्ज किया गया है कि है निस्बत नक्शबंदी की, है निस्बत नक्शबंदी की सनद अपनी मुआफ़ी की। ये जो नक्शबंदी की निस्बत है, क्योंकि बड़े बड़े औलिया इकराम से इसका ताल्लुक है, तो इसीलिए अर्ज किया गया कि जो नक्शबंदी है, तो ये नक्शबंदी होना या आखिरत में हमारी माफ़ी की सनद है। क्योंकि इतने बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गाने दीन और औलिया इकराम से हमारा रिश्ता और नस्बत है नस्बत नक्शबंदी की सनद अपनी माफ़ी की, कि गर्दन में खलादा है तुम्हारा शाह अब्दुल्ला। पट्टा जो होता ना गर्दन में किसी के गुलामी का, तो कलादा उसको कहते हैं। तो अर्ज़ किया गया कि गर्दन में कलादा है तुम्हारा शाह अब्दुल्ला। फिर उसके बाद आपका जो मज़ार अक़दस और रोज़े अनवर है मिसरीगंज पर, तो उसके समा की अक्कासी करते हुए बयान किया गया,
है सरहिंद का समा देता दकन में आपका रोज़ा। सरहिंद शरीफ का समा नज़र आता है, वहाँ की खामोशी दिखाई देती है, फिर वहाँ के अंदाज दिखाई देते हैं आपके रोज़े पर। तो बताया गया है सरहिंद का समा देता दकन में आपका रोज़ा, मुजद्दिद अल्फ़ सानी का नज़ारा शाह अब्दुल्ला। मुजद्दिद अल्फ़ सानी का नज़ारा शाह अब्दुल्ला, निगाहों से पिलाते हो शराब इश्क मौला तुम, निगाहों से पिलाते हो शराब इश्क मौला तुम, मारिफ का है मरकज दर तुम्हारा शाह अब्दुल्ला। हकीकत मारिफत का दर है। किया वासिल इलल्लाह राह हक के हर मुसाफिर को, मतलब यह है कि अल्लाह तक पहुंचने की नियत करके जो बंदा रास्ते पे चल निकला, मैं अल्लाह तक पहुंचना चाहता हूं, तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी बड़े अब्दुल्लाह का दामन थामना पड़ता, भाई अल्लाह के कोई बड़े बंदे का दामन थामना पड़ता है। तो आपका दामन थामने के बाद आपने क्या किया, उसको बयान किया गया, किया वासिल इलल्लाह राह हक के हर मुसाफिर को, इलाज सालिकी का है सहारा शाह अब्दुल्ला। सुलूक पे चलने वाले, भाई अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले लोगों के अंदर जो बीमारियां पैदा हो गए हों, तो उन बीमारियों के इलाज का सहारा आपकी ज़ात है, कि इलाज सालिकी का है सहारा शाह अब्दुल्ला। फिर अर्ज़ किया गया है, जो था कर्ज़ हसन बाकी, कर्ज़ हसना इस हनफियों पर बाकी था, बहुत बड़ा कर्ज था, हर दौर के उलमा ने कहा, जो था कर्ज़ हसन बाकी जमा में फ़िक्ह हनफी पर, जुजाजा के ज़रिए है उतारा शाह अब्दुल्ला। जुजाजतुल मसाबी जो आपने लिखी हदीस में किताब, बड़ी मोतबर तरीन किताब, तो इस किताब को लिखकर आपने वो कर्ज को उतार दिया। जो था कर्ज़ हसन बाकी जमा में फ़िक्ह हनफी पर, जुजाजा के ज़रिए है उतारा शाह अब्दुल्ला। बरोज़ हश्र मेरी उल्फतों की लाज रख लेना, मुजीबे बेनवा है सग तुम्हारा शाह अब्दुल्ला। तो सरकार की बारगाह में ये जो कलाम मनकबती कलाम है या शार पेश करने की सआदत हासिल हुई है, तो इसके अंदर एक जो मिसरा आया है, वो मिसरा है इलाज सालिकी का है सहारा शाह अब्दुल्ला। तो ये इलाज सालिकीन जो है ना, इलाज सालिकीन ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो एक तो ये है कि ये जो अल्लाह के रास्ते में चल पड़े लोग हैं, तो दरमियान में उनके दिलों में कुछ ना कुछ बीमारियाँ पैदा हो गए हों, तो उसका इलाज और मुदावा करने वाली ज़ात आपकी ज़ात है, तो इस तरफ भी इशारा है। फिर दूसरा यह है कि आपकी किताबों में, हज़रत मुहद्दिस दकन अलैहिर रहमा की किताबों में, भाई एक बहुत बड़ी कीमती असासे की शक्ल रखने वाली किताब है, तो उस किताब का नाम है इलाजुस सालिकीन। हज़रत क़िबला की एक किताब का नाम क्या है, वो है इलाजुस सालिकीन। तो इलाजुस सालिकीन की तरफ भी इस मिसरे में इशारा है। ये जो हज़रत क़िबला की जो किताब है इलाजुस सालिकीन, ये इतनी बड़ी कीमती किताब है, भाई ये इलाजुस सालिकीन का मतलब सुलूक का रास्ता तय करने वालों का इलाज करने वाली वो किताब है। वो किताब बीमारों का इलाज करने वाली है, मरीजों का इलाज करने वाली किताब है। मरीजों से मुराद ये जिस्म के मरीज नहीं होते, जिस्मानी मरीजों का इलाज नहीं, बल्कि कल्बी और दिल के मरीजों का इलाज करने वाली किताब है। जिन लोगों के दिल बिगड़ गए, जिन लोगों के दिल के अंदर अल्लाह की याद नहीं रही, जिन लोगों के दिल अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का मदीना नहीं रहे, तो ऐसे दिलों का इलाज करने वाली किताब है हज़रत मुहद्दिस दकन की। उस किताब का नाम है इलाजुस सालिकीन। ये जो किताब है, पतली सी किताब है, फिर सादे सीधे अंदाज में आपने लिखा,
भैया ऐसे तो आपकी किताबों में से हर किताब जुजाजतुल मसीह मसाबीह के सिवा हर किताब जो भी है वो बहुत प्यारे निराले सादे अंदाज में ही आपने लिखा है ताकि हर पढ़ने वाले को नसीहत हासिल हो जाए, हर पढ़ने वाला समझने लग जाए। हजरत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल्ला शाह साहब अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की किताबें वो बंदों को सिर्फ समझ में नहीं आती बल्कि समझ में आने के बाद उस किताब को पढ़ने वाले के दिल में इनकलाब पैदा कर देती। जिन बंदों के दिल में गफलत तारी हो गई वो किताबें गफलत दूर करके अल्लाह की याद पैदा कर देती। जिन दिल बंदों के दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं रहा तो बेखौफ हो गए दिल, ये सब बीमारियां हैं दिल के। भाई अल्लाह के खौफ से दिल बेखौफ हो जाना, फिर अल्लाह रसूल की मोहब्बत से खाली हो जाना, फिर गफलत तारी हो जाना, दिल के अंदर कुदूरत पैदा हो जाना, दिल के अंदर हसदखोरी पैदा हो जाना, दिल के अंदर अदावत पैदा हो जाना, दिल के अंदर कीना पैदा हो जाना, दिल के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाना, दिल के अंदर रियाकारी और दिखावे की कैफियत पैदा हो जाना, दिल के अंदर खुद पसंदी पैदा हो जाना, दिल के अंदर शोहरत पसंदी पैदा हो जाना, ये जितने चीज़ें हैं ये सारे के सारे दिल के बीमारियों के नाम हैं। ये क्या है? दिल की बीमारियों के नाम है। तो इन चीज़ों से दिल बिगड़ जाते हैं, दिल बीमार हो जाते हैं, दिल मुतासिर हो जाते हैं। तो अब उन दिलों का इलाज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोई भी चीज़ हो, बीमार अगर हो गई तो इलाज करना पड़ता है। तो दोस्तों हजरत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब के अंदर हमको ये समझाया। मैं गुनाहगार आदमी, मैं अपनी तरफ से कुछ अर्ज नहीं कर रहा हूँ, हजरत क़िबला ने उस किताब के अंदर हमारे जैसे जो बिगड़े हुए दिल हैं बीमार, तो इन बीमार दिलों को सुधारने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए, इनका इलाज करने के लिए हजरत क़िबला ने उसकी इलाजुस्सालिकीन के अंदर मुख्तलिफ नुस्खे अता फरमाए, मुख्तलिफ दवाएँ तजवीज़ फरमाई, मुख्तलिफ दवाएँ। तो उन दवाओं को उसमें जिक्र करके आपने समझाया है कि देखो जब तक बंदा ये दवाएं इख्तियार नहीं करेगा तो उस वक्त तक उसके दिल की बीमारियां ख़त्म नहीं हो सकती, वरना धीमा बीमारियों में इजाफा ही होता जाएगा। तो वो जो किताब है, आप में से हर एक उस किताब को ख़रीदना और उसको बार बार पढ़ना ज़रूरी है। हर आदमी उसको पढ़ सकता है, याद रख, हर शख्स पढ़ सकता है। कोई बहुत बड़ी गहरी इल्मी मतलब किताब नहीं है कि हर एक को समझ में ना आए, जैसे जुजाजतुल मसाबीह है, यह हदीस में बहुत बड़ी मुतबर तरीन किताब है, 1200 साल का खर्जा आपने उतारा वो किताब लिखकर, 1200 साल का खर्जा कोई नहीं लिखे थे, वो किताब लिखकर आपने उस कर्ज को उतारा जिसका अभी इस शेर में जिक्र किया गया। तो लिहाजा उसके अलावा आपकी जितनी किताबें हैं वो मोटे अंदाज में, सीधे सादे अंदाज में पढ़ने वाले कारी की नसीहत के लिए है, उसके अंदर असर पैदा करने के लिए है, समझ के उसके दिल के अंदर, उसकी रूह के अंदर कैफियत पैदा करने के लिए आपने लिखा। मतलब आप पढ़ के उसको समझ भी सकते हैं, न समझ सकते हैं बल्कि दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो वो किताब जो शुरू की गई, जब आप किताब खरीदेंगे या किताब देखेंगे तो किताब के शुरू में जो टाइटल है तो उस टाइटल के ऊपर लिखा हुआ होगा, ये जो आयतें मैंने अभी पढ़ी सूरतुश शुअरा की आयतें, यौम ला यन्फ़ु मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, ये दो आयतें छोटी छोटी सूरतुश शुअरा की। तो ये दो आयतें ही इलाजुस्सालिकीन जो किताब आपने हरेक की तरबियत और इस्लाह के लिए लिखा, तो उस किताब के ऊपर आपने तहरीर फरमाया ये कलीमा। तो इन्हीं अल्फाज कुरानिया को मैंने आज की गुफ्तगू का मौजू बनाया। वो जो अल्फाज हैं कुरानी, तो उनका तर्जमा और मफहूम यह है जिसको हजरत क़िबला ने अपनी किताब इलाजुस्सालिकीन में सबसे पहले लिखा, उसके बाद आपने किताब लिखी, फिर उसके अंदर बीमारियों की कैफियतों को बयान फरमाया, बीमारियों की सख्तियों को बयान फरमाया, बीमारियों के इलाज के बारे में दवाओं और नुस्खों को तजवीज़ फरमाया, फिर उसके बाद ये भी बताया हजरत ने कि इन कल्बी बीमारियों का इलाज करने के लिए किन तबीबों और डॉक्टरों के पास जाना है,
क्योंकि इलाज करने के लिए तो किसी ना किसी तबीब और डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, बगैर डॉक्टर के तो इलाज ही नहीं हो सकता। तो आपने ये सारी चीज़ें कीमती खजाने के तौर पर उसमें लिखी और तहरीर की, तो उस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे दिल के कैफियात जो हो चुके हैं, दिल के अंदर बीमारियां जो पनप चुकी हैं, उन बीमारियों का खात्मा हो जाए, फिर हमारे दिल ऐसे सेहतमंद हो जाएं कि ये दिल लेकर जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाए, भाई अल्लाह राज़ी हो जाए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह शुअरा की इन आयतों में फरमाया, यौमा ला यन्फ़ु मालू वला बनून, वो फरमाता है कि एक ऐसा दिन आने वाला है कि जिस दिन न कोई माल फ़ायदा देगा ना औलाद फ़ायदा देगी। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया, भाई एक ऐसा कठिन दिन आने वाला है कि जिस दिन न माल फ़ायदा देगा, ना बेटे फ़ायदा देंगे, ना औलाद फ़ायदा देगी, मगर फिर फ़ायदा कौन सी चीज़ देगी? तो अल्लाह ने आगे फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, हाँ न माल फ़ायदा देगा किसी को उस दिन, ना औलाद फ़ायदा देगी, मगर वो शख्स जो सेहतमंद दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचेगा उसको तो फ़ायदा हो। क़ियामत का दिन बड़ा कठिन दिन होगा। क़ियामत के दिन के बारे में मज़ीद कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क़ियामत का दिन हौलनाकी का दिन है, क़ियामत का दिन हैरत का दिन है, क़ियामत का दिन ताज्जुब का दिन है, क़ियामत का दिन शिद्दत और सख्ती का दिन है, क़ियामत का दिन एक बहुत बड़ी बेचैनी का दिन है, क़ियामत का दिन एक बदसुकूनी और बेखरारी का दिन है, क़ियामत का दिन ऐसा शदीद है कि हर शख्स बेचैन होगा, हर शख्स हर बंदा बेकरार होगा। यहाँ तक के नबियों के बारे में भी आया कि अंबिया इकराम भी उस दिन भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ की वजह से, शिद्दत खौफ की वजह से नफसी नफसी कहते रहेंगे। नबियों की ज़ुबानों पर भी नफसी नफसी होगा। किसी को उस ख़तरनाक दिन में घुटनों तक पसीना आएगा, कोई कमर तक पसीने में डूबेंगे, कोई सीने तक पसीने में डूब जाएंगे, कोई तो मुकम्मल पसीने में डूब जाएंगे। बड़ा कठिन दिन होगा। हाथ के बराबर ऊंचाई पर सूरज होगा, न कोई साया होगा, न कोई दरख्त होगा, न कोई साये का तसव्वुर होगा। बड़ा करबनाक दिन होगा, बड़ी सख्ती का दिन होगा। रब्बे कायनात सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ खौफ गुस्से में होगा, गज़ब में होगा, हर एक थर्रा होगा, और 50,000 साल का एक दिन होगा। वो एक दिन 50,000 साल का होगा। बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी बेकरारी होगी। तो ऐसे दिन के बारे में रब्बे कायनात फरमा रहा है कि ऐसे 50,000 साल वाले शिद्दत वाले दिन के अंदर ना माल फायदा देगा, ना औलाद फायदा देगी, अगर कोई चीज फायदा देगी तो सेहतमंद दिल लेके आने वाले को फायदा होगा। जो शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जो शख्स सेहतमंद दिल लेकर, सही सालिम दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा क़ियामत में, बस वो फायदे में रहेगा, बाकी सारे लोग घाटे में, सारे लोग खुसरान में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, खसारे में रहेंगे, बिलक रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, बेचैनी में होंगे। वो ऐसी बेचैनी होगी कि उस बेचैनी को कोई आज दुनिया में समझ ही नहीं सकता, जैसे जन्नत की नेमतों को कोई समझ ही नहीं सकता, आज कोई नहीं समझ सकता। वो हमारे हाशिए ख्याल से दूर है, हमारे दिल में उसके ख्याल भी नहीं गुजर सकते कि जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी। ठीक इसी तरीके से मैदान क़ियामत के अंदर जो अजाब होगा, जो बेचैनी होगी, जो बेकरारी होगी, उसको भी कोई समझ नहीं सकता, आज कोई नहीं समझ सकता। क्या ऐसा भी करबनाक दिन हो सकता है? क्या ऐसा भी परेशानी का दिन आ सकता है? पहले कभी भी ऐसा परेशानी का दिन न गुजरा होगा, न बाद में कभी ऐसा परेशानी का दिन आएगा। दोस्तों बड़ा कठिन दिन होगा।
तो उस दिन का तारुफ कराते हुए अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, ऐ जिस्म का इलाज करने की कोशिश करने वालों, फिर अपने जिस्म की सलामती को देखने वालों, फिर अपने जिस्म को संवारने वालों, दुनिया की जिंदगी में अपने जिस्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वालों, तुम अपने दिल को सेहतमंद बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जिनके जिस्म चमके होंगे वो वहाँ परेशान होंगे, लेकिन जिनके दिल चमक रहे होंगे वो वहाँ पे खुशहाल होंगे, फायदामंद होंगे, उनके पास आराम होगा, अल्लाह की रजा होगी, सरकार की रजा होगी, हुजूर की कुर्बत नसीब होगी। तो ये दिल अगर सेहतमंद है तो वहाँ फायदा है, दिल बिगड़ा हुआ है, जिस्म कितना ही सेहतमंद और कितना ही ज़्यादा मुजन और आरास्ता क्यों ना हो, वहाँ परेशानी है। मगर अफसोस की बात है, हजरत क़िबला ने उसमें समझाया कि हम लोग दुनिया में दिल को सेहतमंद करने की कोशिश करना था, लेकिन अफसोस है हमारी ज़िंदगियों पर कि हम इस दुनिया के अंदर चार रोज़ा ज़िंदगी में हम उस जिस्म को सुधारने की सुबह शाम कोशिश कर रहे हैं जो कब्र के अंदर चला जाए तो तीन दिन में ख़त्म हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, बदबूदार हो जाए, ये जिस्म की कैफियत है। तो हजरत ने फरमाया, ये देखिए इलाज शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, हजरत ने फरमाया उसमें इलाजु सालिकीन में कि देखो कोई भी बीमार हो, कोई भी बीमार हो तो उसके लिए बीमारी का इलाज करने के लिए पहली शर्त यह है कि वो ये जाने कि मैं बीमार हूं। पहली शर्त क्या है इलाज करने के लिए, भाई इलाज आदमी कब कराने के लिए निकलता, जबकि उसको पता हो कि मैं बीमार हूं। तो हजरत ने फरमाया कि आज हमारा दौर ऐसा है कि हम बीमारी का इलाज करने का सोचना तो दूर की बात है, हमको शऊर और पता तक नहीं है कि हम बीमार हैं। अब वो क्या इलाज कराएगा, जब इलाज नहीं कराएगा तो अंदर फोड़ा और नासूर बढ़ते जाएगा, पूरा दिल बर्बाद हो जाएगा। फिर हजरत ने मिसाल दी जैसे कि जिस्म है, जिस्म भाई ये अगर बीमार हो जाए जिस्म, हम कितनी फिक्र करते हैं इसका इलाज करने के लिए, सर में दर्द अगर हो गया, पेट में दर्द हो जाए, पैर हाथ में दर्द हो जाए, जख्मी हो जाए हम, हड्डी टूट जाए, सर फूट जाए, तो हम कितना ज़्यादा दवाखानों की तरफ जाते हैं इलाज कराने के लिए, दुनिया के तबीबों और डॉक्टरों के पास फौरी जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा इलाज हो जाए। जिस्म खराब हो, जिस्म बीमार हो तो हमको इतना ज़्यादा ख्याल है कि हम इसका फौरी इलाज कराएं, लेकिन आपने फरमाया इलाजुस सालिकीन में कि ये दिल ज़माने से बिगड़ा हुआ है, ज़माने से बीमार है, भाई इसके अंदर हर किस्म का मर्ज फैल चुका है, मगर इसका इलाज करने के लिए हम कोई तदबीर करना नहीं चाहते, फिर इसके इलाज की तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते, तवज्जो ना देने की वजह से ये दिल और बिगड़ते जाता है। सरकार ने फरमाया, हदीस में आया कि इंसान के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है कि अगर वो सुधर के रह जाए, वो सुधरा हुआ तो सारा जिस्म सुधरा हुआ रहता, वो अगर बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता, वो बादशाह है। हजरत क़िबला ने फरमाया ये बादशाह है, ये आज़ा रियाया है, पब्लिक रियाया है, हम बादशाह का इलाज करने के बजाय रियाया के पीछे पड़े हुए हैं। हमको कितनी बड़ी फिक्र होती है, भाई आज मैं सुबह में उठा साबुन से मुंह नहीं धोया है, रोजाना गुस्ल करता था, नहाता था, धोता था, तो मैं आज नहाया नहीं। यकीनन बाकी अच्छी चीज है, जिस्म को भी नजाफत के साथ रखना है, यह भी तलकीन आई, लेकिन सफाई सुथराई और नजाफत और तहारत में जहां जिस्म है उससे 100 गुना ज्यादा दिल है, पहले दर्जे पे दिल है। तो अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं, ये पूछूं कि देखिए दिल अहम है या जिस्म, बोलिए दिल अहम है या जिस्म, तो दिल अहम है,
जिस्म अहम नहीं होता, दिल अहम है। दिल बहुत अहम तरीन चीज़ है, बादशाह है। तो दिल अहम होने के सिलसिले में बुजुर्गान दीन ने, औलिया इकराम ने, मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, फिर औलिया सालिहीन ने बहुत किताबें लिखी। क्या मैं एक दो मजमून की बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो दिल है ना, दिल की अहमियत के बारे में बुजुर्गान दीन ने बहुत सारी किताबें लिखी। हज़रत इमाम ग़ज़ाली लिख दिए, हज़रत शहाबुद्दीन सुहरावर्दी लिख दिए, बेशुमार बुजुर्गान दीन ने दिल के ऊपर किताबें लिखी। मगर जितने बुजुर्गों ने दिल के ऊपर किताबें लिखी तो उसमें से एक भी जिस्म के ऊपर नहीं, ये बताने के लिए नहीं लिखी किताब के जिस्म अहम है। अब नज़ाफ़त के लिए जिस्म के एतबार से कुछ लिख दिया हो किसी ने, लेकिन जिस्म की अहमियत पर किताब नहीं, दिल की अहमियत पर किताब है। हर अल्लाह के वली ने दिल के ऊपर बोला, तो आप अंदाज़ा लगाइए दिल कितनी कीमती चीज़ है। तो खैर, हम बुजुर्गान दीन और सालिहीन की किताबों की तरफ ना जाएं, अब बहुत लंबी तफसील होगी किस किस ने क्या लिखा। मैं एक बहुत बड़ी किताब का हवाला दे रहा हूँ जिससे पता चल जाता है कि दिल कितना कीमती है जिस्म के मुकाबले में। वो किताब है कुरान मजीद। कुरान से बढ़ के तो कोई बड़ी किताब नहीं है ना भाई। कुरान मजीद की तरफ चलते हैं, कुरान में देखें कि कुरान मजीद कितना ज्यादा दिल पे जोर देता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुने, इससे दिल की अहमियत बताना मकसूद है। जिस दिल की अहमियत को हम नहीं समझे अब तक, जिस दिल को सुधारने की हम कोशिश नहीं कर रहे, गफलत में पड़े हुए हैं, तो दिल की अहमियत उजागर हो रही है कुरान मजीद से इस तरह कि कुरान के अंदर तकरीबन, याद रखिए, कुरान के अंदर, पूरे कुरान में तकरीबन दिल का जिक्र भाई 130 मरतबा से ज्यादा आया है। कितने मरतबा बोली? कुरान में कल्ब और कुलूब और दिल का जिक्र 130 मरतबा से ज्यादा आया है, मगर जिस्म का जिक्र सिर्फ एक मरतबा आया है। भाई एक दो मरतबा जिस्म का जिक्र आया, तीन मरतबा भी नहीं आया। एक मरतबा कुरान में ये जिस्म का जमा का सेगा आया, फिर एक मरतबा वाहिद का सेगा आया, जिस्म बोला गया और एक जगह अजसाम बोला गया, बस। उसके अलावा तीसरा जिक्र नहीं आया जिस्म का कुरान में। मगर दिल की जब बात करना चाहा अल्लाह रब्बुल इज्जत तो पूरे कुरान के अंदर 130 मरतबा से ज्यादा दिल का जिक्र फरमाया। तो अब अंदाजा लगाइए दिल कितनी कीमती चीज है, कितनी चीज, कितनी कीमती चीज है। मगर इस कीमती चीज को हम भूले हुए हैं। हम जब ये बीमार हो गया तो हम इसके इलाज की फिक्र नहीं कर रहे, जिसका जिक्र कुरान में सिर्फ एक मरतबा आया है, एक दो मरतबा, तो उसको सुधारने के लिए सुबह शाम इधर उधर दवाखानों में फिर रहे। चलो उसका भी हुक्म है क्योंकि ये भी अल्लाह की नेमत है जिस्म भी। लेकिन आज हमारा तर्ज जिंदगी, यानी हमारा अंदाज, ख्याल, हमारा तसव्वुर, इस पे हम लोगों को गौर करना है। हमारे अंदर अहमियत वाली चीज जिस्म है, दिल नहीं। भाई अगर दिल अहमियत वाली चीज होती जो कुरान समझाना चाहता है तो हम ज्यादातर दिल की तरफ तवज्जो देते। हम सुबह शाम बुखार आ जाए दवाखाना जा रहे, सर में दर्द हो दवाखाना जा रहे इलाज के लिए, पेट में दर्द हो दवाखाना जा रहे हैं इलाज के लिए, हड्डी टूट जाए दवाखाना जा रहे हैं इलाज के लिए, तबीबों को तलाश कर रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुबह शाम हम जो जिस्म की सुधार के लिए, जिस्म की बीमारियों को दूर करने के लिए इधर उधर रवा दवा होकर फिर रहे हैं, लेकिन एक मरतबा भी हम, एक मरतबा भी 24 घंटों में, एक मरतबा एक सेकंड में भी हम ये तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं कि हम दिल की तरफ भी देखना है कि दिल कितना बिगड़ा हुआ है। दिल के बीमारी का इलाज करने की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, हम सिर्फ जिस्म को सुधारने की चक्कर में है और इसी में जिंदगी खप रही है। देखिए, एक वालिद हैं, वो अगर अपने बेटे को देखें, बेटे आप कितने दुबले नजर आ रहे हैं, नहीं 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 किसी हकीम के पास जाना चाहिए, किसी डॉक्टर के पास, अच्छे टानी का पियो, अच्छे कुवत की चीज़ें इस्तेमाल करो, सुबह शाम में भिगा के वही वो अंजीर भिगा के सुबह में खाओ, इस तरह कितनी फिक्र हो रही। देखिए क्यों, जिस्म थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा ना,
जिस्म जरा दुबला नजर आ रहा, मैं ऐसे कैसे दुबला हो गया भाई? बोल साहब आप गुज़श्ता महीने में जरा अच्छे थे मगर आप ऐसा कैसे हो गए? अब मैं क्या कर रहा हूँ जिस्म? अरे वाकई मेरे को जिस्म में ऐसी कैसी कमजोरी आ गई है, उसके इलाज की तरफ उसके तरफ ध्यान देते हुए मैं इधर उधर रमा दमा फिर रहा हूँ कि मेरा जिस्म कैसे बचाऊँ, मैं कैसे इसके अंदर कुव्वत पैदा करूँ, लेकिन पलट के मेरे अंदर यह ख्याल नहीं आ रहा है कि ऐ जिस्म की तरफ देखने वाले, सुबह शाम इसका तहफ्फुज फिर इसकी सलामती की फिक्र करने वाले, कभी तूने दिल की तरफ भी देखा कि तेरा दिल कितना बिगड़ा हुआ है? इस जिस्म के अंदर दो तीन बीमारियां होंगे मगर दिल के अंदर पचासों बीमारियां हैं। हसद इसके अंदर है, गीबत इसके अंदर है, कुदूरत इसके अंदर है, कीना इसके अंदर है, दुश्मनी इसके अंदर है, क्या क्या चीजें हमारे अंदर दिल की कैफियत को बिगाड़े हुए हैं, लेकिन उसके इलाज की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो इस इलाज की तरफ ध्यान देने के लिए फिर इस इलाज की तरफ हम जैसे मरीजों को डालने के लिए हजरत मुहद्दिस दक्कन ने इलाजुस सालिकीन किताब लिखी। आपने फरमाया कि जिस्मों की हिफाजत करने वालों जरा दिल की तरफ भी निगाह करो, दिल कितना बिगड़ा हुआ है। अल्लाह ने तो वहां सूरह शुअरा में फरमाया जिसका दिल सेहतमंद होगा वही मेरी बारगाह में खड़े होगा कयामत के दिन, भाई उसी से मैं खुश होऊंगा, बाकी हर शख्स परेशान होगा। वो अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, या अगर दिल बिगड़ा हुआ है, बीमार हो गया है, इसी बीमार दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, माद अल्लाह कब्र में पहुंचे, तो फिर वो हमेशा की परेशानी है। यहां जिस्म बीमार हो गया तो दो दिन तीन दिन मरने से पहले तक, दो साल चार साल पचास साल, बस यही परेशानी है जिस्म बीमार होने की, लेकिन दिल बीमार हो गया तो हमेशा की परेशानी है। तो हमेशा की परेशानी को दूर करने के लिए हजरत मुहद्दिस दक्कन ने सबक दिया हमको कि दिल की तरफ देखो। फिर आपने इरशाद फरमाया वही इलाजुस सालिकीन के अंदर, आप फरमाते हैं हर बीमारी के इलाज करने वाले होते हैं, तबीब होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बीमार उनके पास जाके इलाज कराता है। तो अब हम इलाज कहाँ कराएं, दिल की बीमारी के मुआलिज कौन है, तबीब? तो हजरत ने फरमाया दिल की बीमारी के पहले मुआलिज और डॉक्टर और तबीब वो अंबिया इकराम, भाई अल्लाह के नबी, भाई अल्लाह के नबी लोगों के दिलों की बीमारी का इलाज करने के लिए आते हैं। किस क्या करने के लिए आते हैं भाई? उनका मिशन, भाई उनकी बियासत का बहुत बड़ा मकसद बीमार दिलों का इलाज। दिल जब बिगड़ जाते हैं, बीमार ज़्यादा हो जाते हैं तो अल्लाह को भूल जाते हो। दिल हद से ज़्यादा जब बिगड़ जाए तो गफलत का ऐसा शिकार हो जाता है कि वो खुदा को जानता भी नहीं, मानता भी नहीं, कट जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों को तबीब बनाकर भेजता है कि ऐ मेरे नबी जाओ, इन बीमारों की बीमारी की हद हो गई, ना मुझको जान रहे हैं ना मुझको मान रहे हैं, दिल हद से ज्यादा बीमार हो गए हैं, शिद्दत मरज में मुब्तला हो गए, जाओ इनके पास अपनी तालीमात के जरिए और अपनी निगाहों के जरिए से इनका इलाज करो। तो नबी आकर दिलों का इलाज करते हैं। नबी क्यों आते हैं बीमारी का इलाज करने के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए? सरकार तशरीफ लाए, हुजूर की बियासत हुई, सारा अरब जहालत की बीमारी में पड़ा हुआ था, एक से एक बीमारी उनके दिल के अंदर समा चुकी थी, मुसल्लत हो गई थी। सरकार तशरीफ लाए, हुजूर के मुबारक कदम इस सरजमीन पे पड़े तो सारे बीमारों की बीमारियां ख़त्म हो गई। वो ऐसे हो गए जो बीमार थे, नाफरमानी की बीमारी थी, वही अल्लाह की पहचान न होने की बीमारी थी, जहालत की बीमारी थी, गुमराही की बीमारी थी, कुफ्र की बीमारी थी, शिर्क की बीमारी थी, कुदूरत की बीमारी थी, हसद और कत्ल व गारत गिरी की बीमारी थी। सरकार तशरीफ लाए तो ऐसा इलाज कर दिए कि जिनका इलाज सरकार ने किया वो दूसरों का इलाज करने वाले बन गए, भाई वो अपने नज़रों से दूसरों का इलाज करने वाले बन गए। तो वक्त का तकाजा यह है, हजरत मुहद्दिस दक्कन की तालीमात को पढ़ें, ख़ास तौर पे इलाजुस सालिकीन जो किताब है उसको पढ़ें।
ये जो मैं किताब, अब पूरी किताब तो मैं अर्ज़ नहीं कर सकता, मगर चीदा चीदा मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया दिल के सबसे पहले तबीब डॉक्टर, पहले नंबर के वो नबी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर नबी के जो नायब हैं वो औलिया इकराम, वो सालिहीन, वो दिलों की बीमारियों का इलाज करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तो मुआलिज आपने बता दिया कि ये बीमारी का इलाज करने के लिए आते हैं, तो अब किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, दवाएं क्या क्या देते हैं, नुस्खे कौन से फराहम करते हैं? तो आपने फरमाया दिल की बीमारियों में से ये जितनी भी चीज़ें मैंने अर्ज़ की, वो आपकी बयान की हुई चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं, हसद, कीना, कबर, अदावत, दुश्मनी, तकब्बुर, गुरूर, खुद पसंदी, अपने आप को अच्छा समझना, बड़ा समझना, रियाकारी, ये पूरे चीज़ें बीमारियों का, ये पूरे बीमारियों का हजरत ने जिक्र फरमाया। ये जितनी बीमारियां हैं ये सारी बीमारियों का इलाज भैया अम्बिया, फिर उनके वसीले से, उनकी बरकत से भैया औलिया ये इलाज करते हैं, तो इलाज के लिए उनके पास जाना पड़ता है। अब किसी को वली की सोहबत मुयसर नहीं है, तो कम से कम वली की लिखी हुई तसनीफ या उनकी जो किताब है, उनकी तालीमात पर मबनी जो पैगाम है, तो उसको पढ़ ले आदमी तो वो दिल सुधर जाता है, दिल सुधर जाता है। पूरे कुरान की तफसीर, पूरे हदीसों का ज़खीरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दिल सुधारने के लिए। किसी अल्लाह के नेक बंदे की कोई हिकमत की बातों की किताब जो हमको, हमारे दिल को सुधारने वाली हो, वो पढ़ ली जाए तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। तो अब वो दवाएं क्या क्या हैं, आपने फरमाया दिल की बीमारियों की दवा है भाई इबादत, यानी इबादत की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, फिर आमाले सालेहा हर किस्म के, हर किस्म का अमल, नेकी का अमल, ये अगर इख्तियार करे तो दिल की बीमारी की ये दवा है। फिर अल्लाह रसूल की इताअत, फिर इसके साथ साथ अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना, तन्हाई में बैठकर, खलबत में बैठकर, बहुत ज़्यादा यकसुई के साथ रोते हुए, बहुत अफसोस करते हुए अल्लाह का जिक्र करना। तो अल्लाह का जितना ज़्यादा बंदा जिक्र करते जाएगा तो दिल की बीमारियां छटना शुरू होते जाएंगे। भैया जैसे हम लोग बैठे हुए हैं अभी, हम लोग क्या ऐसी इजी लेके बैठे हुए हैं दिल की बीमारियों का इलाज करने की तदबीर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा अगर छोड़ दिया जाए तो दिल के अंदर और बीमारियाँ पैदा होती रहती, पुख्ती होती रहती बीमारियाँ। रियाकारी हमारे अंदर है भैया आदि है तो पूरी हो जाती अगर इलाज नहीं करके छोड़ दिए। जैसे कि जिस्म की बात है, एक फोड़ा हो गया तो उसका इलाज अगर बर्बाद न किया जाए तो उसका पूरा असर पूरे जिस्म पे फैलते रहता और बढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से ये दिल की बीमारी बढ़ते बढ़ते पूरा दिल काला हो जाता है, फिर उसके बाद अब हिदायत उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता दिल में, इतना बिगड़ जाता है। तो आपने फरमाया कि इस बीमारी को, इन बीमारियों को दूर करने के लिए जो दिल के अंदर आ चुकी हैं, तो अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। फिर अल्लाह के जिक्र के सिलसिले में आपने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र में, या अल्लाहु अल्लाह का जिक्र भी है दिल की तरफ ध्यान देते हुए, फिर उसके ऊपर ज़र मारते हुए अल्लाहु अल्लाह का जिक्र भी किया जाए, मगर आपने फरमाया सबसे ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा अल्लाह के जिक्र का यह है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़्यादा विर्द करें। ये जो कलिमा तौहीद है तो ये सबसे ज़्यादा मुअस्सिर है ये दिल के इलाज करने के लिए। फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया जो बंदा चाहता है कि मेरे दिल का मुकम्मल इलाज हो जाए, तो आपने फरमाया एक तो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा है, दूसरा है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना, दिल का इलाज हो जाता है, दिल चमकने लगता है, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने फरमाया कि एक बंदे को चाहिए, एक मोमिन को चाहिए कि कम से कम रोज़ाना 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। जब आपसे बैत सिलसिले नक्शबंदिया में जब बैत की जाती है तो नमाज की पाबंदी वगैरह की जो हिदायत होती है, तो उसके साथ 200 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन होती है। तो अब 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना हम जैसे लोगों के लिए रोज़ाना पाबंदी से पढ़ना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता बाद वक्त। तो हज़रत क़िबला ने एक बेहतरीन तजवीज़ दी, वो तजवीज़ है बड़ी आसान,
भाई उसमें ज़बरदस्त दुरूद पढ़ने का सवाब मिल जाता है। वो है दुरूद का मजमुआ, एक किताब है, बहुत बड़ी किताब है भाई। उस किताब को बड़े बड़े वलियों ने पढ़ा, तो उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? दलाइलुल खैरात। तो हज़रत क़िबला ने फरमाया 200 मरतबा अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते तो दलाइलुल खैरात में जो दुरूद है, दलाइलुल खैरात ये दुरूद की किताब है। तो हर दिन के हिसाब से अहज़ाब हैं उसके अंदर, मुंतखबा हिस्से हैं दलाइलुल खैरात में। पीर से शुरू करें, इतवार पे ख़त्म करें। पीर के दिन का दुरूद अलग है, मंगल के दिन का अलग है, फिर चहशंबे के दिन का अलग है, इस तरह हिस्से मुकर्रर हैं। तो जिस घर में और जिस आदमी की ज़िंदगी में दलाइलुल खैरात का विर्द आ जाता है, ये दुरूद का ख़ज़ाना उसके सीने पे खुल जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसके सीने पे भी उतरती हैं, उसके घर में भी उतरती हैं। हर किस्म की परेशानी का इलाज, फिर अपने गुनाहों की परेशानी का इलाज दलाइलुल खैरात में है। दलाइलुल खैरात में बहुत बड़ी किताब, ज़बरदस्त, बड़ी का मतलब बहुत मोटी भी नहीं है, तर्जुमे के साथ किताब आ रही है आजकल। उसमें हिस्से मुकर्रर हैं, पीर के दिन इतना हिस्सा पढ़ना है। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा भाई। उसमें से कुछ हिस्से ऐसे भी है, जैसे मिसाल के तौर पे मंगल है, चाशबा है, जुमेरात है, जुमा है, तो इसके जो हिस्से हैं लंबे भी नहीं हैं। तो ये हिस्से ऐसे हैं कि आप 10 मिनट में पढ़ ले सकते। कितने मिनट में? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। 15 मिनट जब पढ़ते पढ़ते आपको आदत हो जाएगी तो 15 मिनट के अंदर आप वो उस दिन का दुरूद पाक पढ़ लेंगे। उससे बड़ी सआदत मिलती है, बड़ी बरकत मिलती है। मैं सिर्फ एक मतलब तरगीबी हिसाब से भी अर्ज़ कर रहा हूँ, दूसरी तहदीस नेमत के तौर पे भी अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं कोई कमाल का आदमी नहीं हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, मगर मैं फिर इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम लोग सब मिलकर भैया अपने आप को सुधारने की कोशिश करना है। तो एक नेमत के इजहार के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ, गुज़िश्ता तकरीबन करीब ढाई साल से बिहम्दिही ताला ये गुनाहगार दलाइलुल खैरात का पाबंदी से विर्द कर रहा है, किसी दिन नागा नहीं, चाहे सफ़र हो चाहे हजर हो। उसके अंदर एक शक्ल भी है, कहीं कोई प्रोग्राम में आप चले गए, किसी शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी गांव में गए, कहीं जाना था, सफ़र में थे, तो उसके अंदर ये भी सहूलत रखी हुई है बुजुर्गान दीन की तरफ से इजाज़त है कि उस दिन का अगर छूट गया है, जैसे आज जुमा का दिन हम मसरूफ़ थे नहीं पढ़ सके, तो आप हफ्ते के दिन इसकी उसकी पाबदाई कर सकते। तो इस तरह किसी सूरत में एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए उसके बाद ज़िंदगी में कैसा मज़ा आएगा, फिर ज़िंदगी के लम्हात में कैसा सुकून नसीब होगा, फिर घर में कैसे बरकतों का नज़ूल होगा, हर किस्म की परेशानी दूर होगी। बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि चाहे किसी भी किस्म के असरात क्यों ना हो, शैतानी नफसानी, वो सारे असरात का अगर कोई खातिमा चाहता है तो दलाइलुल खैरात की पाबंदी ज़रूरी। तो हज़रत क़िबला ने फरमाया दलाइलुल खैरात का विर्द करो, अगर 200 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिल सकता। तो ये दिल की बीमारी का इलाज आपने बताया, दिल की बीमारी का इलाज, ये भी दवा है। फिर और एक दवा आपने बताई तकवा, ये भी दवा है। खौफ इलाही से रोना, ये भी दिल की बीमारी का बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा नुस्खा है भाई। अल्लाह के खौफ से रोना, बंदा रोना, ये रोने से, आंसू बहाने से ये दिल के अंदर की बीमारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, दिल चमकने लगता है, बहुत बड़ा इलाज है, दवा है। फिर अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करना, यह भी बहुत बड़ी दवा है, इस मर्ज़ के इलाज की बहुत बड़ी दवा आपने बयान। फिर आपने फरमाया कि आलिम रब्बानी का वास सुनना, बड़े अल्लाह वाले जो लोग होते हैं उनका वास सुनना, तो ये भी बहुत बड़ी दवा है। फिर आपने फरमाया कि हर अम्र में सुन्नत पे अमल करना, ये बहुत बड़ा इलाज है दिल की बीमारी का। फिर आप फरमाते हैं हमेशा तहज्जुद पढ़ते रहना, ये भी दिल की बीमारी का बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ी दवा है दिल की बीमारी की, दिल की बीमारी की
बहुत बड़ी दवा है। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मैं अर्ज़ नहीं कर सकता। हज़रत क़िबला ने ये बीमारियाँ क्यों पैदा होती हैं उसके असबाब भी बताए, सबब भी बता दिए, नफ्स पकड़ कर ये भी बता दिए कि कौन सी बीमारी कैसी है, कैसे पैदा होती है, फिर इलाज कैसा करना, कौन करने वाले हैं इलाज, कितने दिन में इलाज होगा, कैसे इलाज किया जाता है। बहरहाल ये सारे के सारे चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। इलाजुस्सालिकीन जो किताब है उसके अंदर अगर हम गौर से पढ़ें तो हर किस्म का फ़ायदा हमको आता हो, हमारी ये ज़िंदगी खुशगवार बन जाएगी, मालूमात होंगे। मगर मैं सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। ये अल्लाह का ज़िक्र ये हमारे बिगड़े हुए दिल, बीमार दिल का बहुत बड़ा इलाज है। तो उस इलाज का ज़िक्र करते हुए हज़रत क़िबला ने कई किताबों में बयान फरमाया। हज़रत ने पहले ये बयान फरमाया कि देखो, जब अल्लाह के ज़िक्र से बंदे के दिल में गफलत आ जाती है, यानी अल्लाह की याद नहीं रहती दिल में, गफलत का शिकार हो जाता है दिल, बंदा गाफिल हो जाता है, भूल जाता है अल्लाह को। ये बात याद रखना है हम सबको कि बंदा अल्लाह को भूलने के बाद ही गुनाह करता। पहला गुनाह करने से पहले बंदा अल्लाह को भूल जाता है, भाई अल्लाह याद रहे तो गुनाह नहीं हो सकता। तो याद इलाही ज़रूरी है। तो याद इलाही जब बस जाती है तो गुनाह ही नहीं होता, तो गुनाह नहीं होता तो दिल बीमार नहीं होता, जब बीमार नहीं होता तो इलाज किसका करें। सेहतमंद दिल हो गया, अल्लाह की बारगाह में सही सालिम दिल लेके बंदा पहुंचा, परवरदिगार आलम राजी हो गया। तो अल्लाह की याद से गफलत, याद इलाही का ना होना बहुत बड़ी बीमारी है। इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है कि ये याद इलाही से गाफिल रहना बीमारी ही नहीं रहती बल्कि मुर्दगी बन जाती। दिल गाफिल जब हो जाता है तो गाफिल नहीं रहता बल्कि मुर्दा हो जाता, उसको मुर्दा कहा गया। चुनाचे आपने फरमाया एक औलिया की सब में बहुत बड़ी हस्ती है हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी, बगदाद शरीफ में आपका मदार मुबारक भी है, औलिया का मरकज़ है। तो हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का तस्किरा करते हुए आपने लिखा कि देखो भाई, अल्लाह की याद से गफलत में आ जाना, अल्लाह की याद नहीं रहना, जिक्र से गाफिल हो जाना दिल, कितनी बड़ी नुकसान की चीज़ है। तो आपने फरमाया कि अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बुज़ुर्ग से मुलाकात के लिए दो लोग निकले थे, वो अपने मुकाम से निकले। किसकी मुलाकात के लिए? हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के वली थे, तो शोहरा सुने थे कि ऐसे बड़े वली हैं, वली है कामिल, चलो उनकी मुलाकात के लिए जाते हैं। तो अल्लाह वालों से मुलाकात करना चाहिए भाई, उनकी सोहबत से हमारे दिल सुधर जाए। मुलाकात के लिए सफ़र करके निकले, तो रास्ते में थे दो तालिबान हम जा रहे थे मुलाकात के लिए, रास्ते में आधा रास्ता या उससे कुछ ज़्यादा रास्ता तय हुआ, तो वो जो दो लोग थे, दो नौजवान जो हज़रत की मुलाकात के लिए निकले थे, तो उन दोनों में से एक ऐसा नौजवान था जो बिल्लियों की बोलियां समझता था, बिल्लियों के कलाम को और उसकी बातों को समझता था, ये सलाहियत अल्लाह ने उसको दी थी। तो जा रहे थे तो सामने से दो बिल्लियाँ आ रहे थे, तो बिल्लियाँ दोनों आ रहे थे, आते आते उन्हों एक बिल्ली दूसरे बिल्ली से कह रही थी कि देखो ये दोनों लोग अबुल हसन नूरी से मिलने जा रहे हैं, मगर इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका अभी इंतकाल हुआ, ये जा रहे हैं वहाँ बगदाद, इनको पता तक नहीं है, मुसीबत उठा रहे हैं, इतना लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, उस ज़माने का रास्ता, भूख प्यास का रास्ता बड़ा कठिन होता था, तो इनको खबर तक नहीं है कि उनका इंतकाल हो गया, ये लोग मिलने जा रहे हैं। तो वो जो साथी था एक, तो वो कहने लगा दूसरे साथी से कि भाई वापिस हो जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो साथी ने कहा क्या बात, क्यों आपने इन्ना लिल्लाहि पढ़ा? तो वो कहने लगा कि अभी जो दो बिल्लियाँ जा रहे थे तो एक बिल्ली बोल रही थी कि अबुल हसन नूरी का अभी इंतकाल हो गया और ये लोग मिलने जा रहे हैं। तो वो शख्स ने भी कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो
अब उसके बाद उसमें से एक ने कहा चलो वापस हो जाते हैं, अब सफ़र का मकसद ही फौत हो गया, मुलाकात ही नहीं होने वाली है, वापस हो जाएंगे। तो दूसरे साथी ने कहा नहीं भाई, भाई इतनी मुसीबत उठा के यहाँ तक पहुँचे तो उनकी ज़ाहरी ज़िंदगी से मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, चलो भाई उनकी मज़ार की ज़्यारत तो कर लेंगे, कब्र मुबारक की ज़्यारत करेंगे। ठीक है, ये कह के दोनों निकले और चले। हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती में पहुँचे। पहुँचने के बाद लोगों से पूछे होंगे कि अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का घर कहाँ है, मज़ार कहाँ है, कब्र मुबारक कहाँ है, ज़्यारत करना है। जो सुन रहे ताज्जुब में पढ़ रहे हैं, भाई ये क्या बात कर रहे हैं लोग कि हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल ही नहीं हुआ है, लोग कब्र की ज़्यारत के लिए आए। भाई इंतकाल हुआ तो मज़ार की ज़्यारत होगी। तो खैर ये लोग समझे कि ये लोग नहीं बताना चाह रहे, इनको शायद मालूम नहीं है कि मज़ार अक़दस कहाँ है। तो सीधे वो कहने लगे कि अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का घर कहाँ है, मकान। तो लोग बता दिए कि यहाँ पे। दोनों मिलके, दोनों तालिबान हक आपके घर पे पहुँचे, दस्तक दिए, दरवाज़े पर दस्तक दिए, तो दरवाज़ा खोलने के लिए हज़रत अबुल हसन नूरी ही तशरीफ़ लाए। ये मंजर देखकर ताज्जुब में पड़ गए कि अभी बिल्लियों ने कहा था कि इंतकाल हो गया, तो इन लोगों के ताज्जुब को देखकर हज़रत अबुल हसन नूरी ने फरमाया कि अरे बंदो ताज्जुब क्यों कर रहे हो, हैरत ज़ाहिर हो रही चेहरे से। तो उन्होंने अर्ज किया सरकार अभी रास्ते में जानवरों ने बताया, बिल्लियों ने बताया कि आपका इंतकाल हो गया, आप तो बाहयात हैं। तो हज़रत अबुल हसन नूरी कहने लगे रोते हुए क्या है लोगों, तुम लोगों को बिल्लियों की बातें समझ में आते थे इसलिए बिल्लियों का कहना सुनाई दिया, भाई अभी थोड़ी देर पहले कुछ देर के लिए मैं उसकी याद से गाफिल हो गया था, मैं मेरे खुदा की याद से गाफिल हो गया था मेरा दिल, तो गफलत होने की वजह से सारी ज़मीन के जानवरों में ऐलान हो गया है कि मेरा इंतकाल हो गया। कहने का मतलब यह है जिस दिल में अल्लाह की याद है वो ज़िंदा है, जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं है वो मुर्दा है। इस जिस्म और दिल की ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक ये जिस्म की कुव्वत और ताकत पे नहीं है, चलने वाली सांसों से इसका ताल्लुक नहीं है। दिल जिंदा है, याद वाला है, अल्लाह की याद वाला तो जिंदा, याद नहीं है तो मुर्दा। दोस्तों हम किस किस्म के मुर्दे हैं।